नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और इस उम्मीद से करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जहां से भी मुझे देख रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और ये वीडियो जिसके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है वो टीजीटी पीजीटी बैच के लिए बनाया जा रहा है। और मैं यूजीसी नेट की भी आप लोगों को डेट जो है कई बार, यूजीसी नेट जेआरएफ की डेट आपको कई बार घुमाई गई। पहले नवंबर था, फिर उस डेट को 16 सितंबर लाया गया, फिर 20 किया गया, अब अक्टूबर किया गया। तो जो हमारे तमाम विद्यार्थी हैं जो इस समय यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और आज मैं यहाँ पर खड़ा इसलिए हूँ कि आप लोगों से आज टीजीटी पीजीटी विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सबसे लास्ट स्टेप होता है। सीढ़ियां जो चढ़ी जाती हैं, सीढ़ियां वो इस प्रकार चढ़ी जाती हैं कि पहले तो हम जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उस विषय के बारे में हम जाने कि वो विषय होता क्या है। टीजीटी पीजीटी आदमी बोलते हैं, टीजीटी है करना है, पीजीटी करना है, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं, कोई अन्यथा मत लीजिएगा, कि इसके भी तैयारी करने वाले लगभग 40 से 50% लोग जानते होंगे कि है क्या। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये आप जानते होंगे। यहां मैं फुल फॉर्म नहीं बताना चाहता हूं। आपको ये पता है कि अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आपको पीजीटी में 5 नंबर का वेटेज मिलता है। कई लोग इस बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, सॉरी, इस बार कई लोग पीजीटी के एग्जाम में इसलिए रुक गए क्योंकि कोरोना की वजह से उनका बीएड नहीं कंप्लीट हो पाया, बीएड का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, नहीं तो 5 नंबर का वेटेज मिल जाता जो 1-2 नंबर से रुके हुए। मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले हम उस एग्जाम का परफॉर्मा जान लें, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम। जब तक हम उस परफॉर्मा के बारे में नहीं समझते हैं और हम एक रट्टू तोता की तरह पढ़ते गए, एग्जाम में बैठ गए और सिलेक्शन नहीं होता है हमारा, तो हमारे कहते हैं कि सामने वाले ने सही से पढ़ाया नहीं या हमने सही से पढ़ा नहीं। यहां पर सामने वाले ने क्या पढ़ाया वो मैटर नहीं करता, आपने क्या पढ़ा वो भी मैटर नहीं करता। मैटर बस दोनों की गलतियां रहती हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि पढ़ना किस प्रकार था। इतिहास एक ऐसा विषय है तो देखा जाए कि लोग इससे बहुत डरते हैं और देखा जाए बहुत लोगों इसको अपने विषय के रूप में टीजीटी और पीजीटी में चूज भी करते हैं। आप देख सकते हैं औसतन उठाकर, मैं भी सारी चीज आज मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा, ठीक है, किस प्रकार सवाल कहां से आया, कितने कितने सवाल आए, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, तमाम चीजें मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतिहास के पे जो चर्चा की आज हम बात कर रहे हैं आपसे, इतिहास पर चर्चा मतलब ये नहीं है कि इतिहास है क्या, होता क्या है, करना क्या है, ये बातें बाद में है। जब आप लोग बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 नंबर का वेटेज आपको मिल जाता है पीजीटी के लिए, ठीक। टीजीटी आपको पता है कि आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, क्लास 6 से 10 और उसमें 10 से 12, ठीक। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपने क्या कहते हैं बीए कंप्लीट किया है या एमए कंप्लीट किया है तो आप आराम से टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं मतलब एमए हैं तो आप आराम से पीजीटी दे सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि ये जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, टीजीटी में 125 सवाल आते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 63 सवाल या कभी कभार 62 सवाल, क्योंकि उसको जोड़कर 125 करना पड़ता है, तो कभी कभी 63 सवाल जो है वो आते हैं हिस्ट्री से और बाकी 62 सवाल अदर सब्जेक्ट से। पीजीटी में सेम उल्टा है, पूरे इतिहास से ही पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये परफॉर्मा देखना है, ये चीजें समझनी है कि किस साल किस प्रकार के सवाल पूछे गए या किस साल कहां से कितने सवाल पूछे गए। इतिहास का लोग जनरली 3 पोर्शन कहते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक, ये पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया मतलब पूरा भारत जानता है। लेकिन अगर इन 3 टॉपिकों को मैं और अच्छे से इसको डिवाइड करके आपको कहूं तो पढ़ने का मजा और क्वेश्चन पकड़ने और करने का मजा एक दूसरा होता है। यहां मुझे पता है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे इसमें कई लोग होंगे जो कहीं पे टीचर हैं, कई लोग होंगे जो यहां पर नेट क्वालिफाइड होंगे, कई लोग होंगे जो यहां पर जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे होंगे, कई लोग हो सकता है जो जेआरएफ क्वालिफाइड भी हो। फैक्ट है, ये हो सकता नहीं, ये होंगे जो देख रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि उन्हें हमसे ज्यादा भी ज्ञान होगा और मुझे इस बात का गर्व है। पर बस मैं एक चीज जो आपसे ये कहना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि इतिहास को अगर हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक समझ के पढ़ते हैं तो उन चीजों से हमको ये रहता है कि एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ब्रॉड टॉपिक को छोटा करना चाहिए। जब हम क्लास नर्सरी में रहते हैं तो हमको किताबें मिलती हैं कलरफुल, पतली पतली, पढ़ने मजा आता है, सूरज कहीं निकल रहा है तो कहीं पर बंदर दिख रहा है। फिर जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा कोर्स लेंदी होता जाता है और कोर्स के लास्ट में समरी मिलता है,
भाई इसको पढ़ लो, वन वर्ड का आंसर कर लेंगे। लेकिन जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग नहीं काम करता है कि हमें करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है। बस उठा लाएंगे किताब मार्केट से, रटे रहो रटे रहो रटे रहो रटे रहो। मैं इस बात का दावा करता हूं आपसे, 100% करता हूं, कि आप इतिहास के विषय के लिए, या इतिहास की बात करूंगा, किसी दूसरे विषय के नहीं, इतिहास के विषय के लिए आप मार्केट से अगर कोई सिंगल किताब प्रिफर करते हैं, तो आप कभी भी 100% तो दूर की बात है, 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ एक किताब से अपने टीएचटी पीएचटी की तैयारी करते हैं, तो ये वो लोग समझ रहे होंगे जो एग्जाम दिए हैं, या वो लोग समझ रहे होंगे जो पेपर सॉल्व करते हैं। एक पुस्तक, कोई भी पुस्तक, मैं किसी पुस्तक को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, कोई भी पुस्तक अगर आप मार्केट से उठा के लाते हैं, प्राचीन मध्य और आधुनिक की, चाहे अलग अलग राइटर की हो चाहे सेम राइटर की हो, आप 90% या 85% से ज्यादा सवाल नहीं अटेम्प्ट कर सकते एक किताब पढ़ के, कभी नहीं कर सकते। और यूजीसी नेट की बात रही तो आप 70% भी नहीं कर सकते एक किताब से पढ़ के, 70% भी नहीं कर सकते। भाई यूजीसी नेट जेआरएफ में 65-66 क्वेश्चन करिए क्वालिफाई हो जाता है, ऐसा होता है, मेरिट अलग अलग हिसाब से अलग अलग वे में जाती है। तो इसीलिए मैं यहां पे खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको समझिएगा। मुद्दा यह है कि हम जो यहां पर आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं, जो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो एक किताब नहीं पढ़ते हैं। एक किताब पढ़कर कोई टीचर नहीं बन सकता है, कभी नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल। अगर आप मान लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसमें दिया है कि मंगल पांडे को 29 मार्च को फांसी दी गई। बात समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन आपका आयोग मानता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई, तो जो व्यक्ति, जो मेरा दोस्त सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता होगा, वो तो गलत कर देगा ना। समझने का प्रयास करिएगा। तो मतलब क्या है कि जब हम यहां खड़े होते हैं और हम अपने विषय के, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप हमसे ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं अपने विषय के, आप इसके लिए टीएचटी पीएचटी क्वालिफाई करेंगे, आप इसके लिए नेट क्वालिफाई करेंगे, आपने हो सकता है कितने लोग ने अपने जीवन के 10 साल 12 साल 15 साल उसी विषय में दे दिए हो, आपको बहुत ज्ञान होगा, मानता हूं, सारी बातें मानता हूं। लेकिन हम भी यहां पर जब खड़े होते हैं तो एक किताब पढ़कर नहीं पढ़ा सकते। इतिहास की 14 से 16 किताबें जो होती हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार सवाल, सफाई कर्मचारी से लेकर यूजीसी नेट जेआरएफ तक के सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, अच्छा ये सवाल इस बुक में नहीं था, किस बुक में मिलेगा, अच्छा ये तो उस बुक में दिया था। कभी कभार तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि जो बस में किताबें मिलती हैं 10 रुपए की, उससे भी सवाल बन जाते हैं आपके, वो नॉर्मल किताबों में रहते ही नहीं है। ऐसे सवाल जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा ना आपको, बताते भी चलूंगा कैसे पढ़ना, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यह समझिए कि आप जब टीएचटी पीएचटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस किस पोर्शन पे ज्यादा करना है। उन पोर्शन के पहले कि इतिहास को हम डिवाइड ऐसे, प्राचीन मध्य आधुनिक के नॉर्मल एक फेज है, ये चलता है, एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न, पर मेरा तरीका थोड़ा दूसरा है। मैं प्राचीन को अलग वे में पढ़ाता हूं, मध्य को अलग वे में पढ़ाता हूं, और आधुनिक को अलग वे पढ़ाता हूं। अब आपने कहा सर आपने अलग क्या किया, अलग कर रहा हूं। विजयनगर बहमनी साम्राज्य और भारत के स्वतंत्र राज मध्यकालीन के हिस्से हैं, लेकिन उसको मैंने अलग टॉपिक बनाया हुआ है। दक्षिण भारत का इतिहास और संगम काल, ये लोग बहुत लोग प्राचीन के साथ पढ़ा देते हैं या प्राचीन खत्म होने के बाद पढ़ाते हैं, इसको मैंने अलग टॉपिक बनाया है। और कहीं कहीं उत्तर भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास भी मैं इसमें जोड़ा हूं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास न प्राचीन में मिलेगा न मध्य में न आधुनिक में, स्वतंत्र राज्यों में 2 लाइन मिल जाती है, लेकिन वहां से भी सवाल बनते हैं। इतिहास को मैंने 5 से 6 पार्ट में बांटा है ताकि छोटे छोटे पार्ट आपको कवर कराऊं और आपके दिमाग में यह बर्डन न रहे कि इसके साथ ही इसको पढ़ना है। इंसान वो बड़ा नहीं होता है जो पूरा पढ़ता है, इंसान वो बड़ा होता है जो एग्जाम क्वालिफाई करता है, ये आप अच्छे समझते हैं। हम लाख विद्वान होंगे, मैं लाख विद्वान होऊंगा, हूं नहीं पर अगर होऊंगा, पर मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं एक व्यर्थ इंसान हूं, ये समाज की दृष्टिकोण है। तो तैयारी कैसे होती है ये सबसे बड़ी चीज है, लेकिन तैयारी करनी कैसे है ये उससे भी बड़ी चीज है। तो आइए हम आपको आज पहले बताते हैं कि इतिहास में किस प्रकार सवाल आए थे, किस साल कौन कौन सा सवाल आया गया था। मैंने डाटा निकाला है, इसका पूरा डाटा मैं आपके सामने पेश करूंगा, और आप देखिए कि जब हम क्वेश्चन के एनालिसिस सभी करते हैं, लेकिन किस साल कितने सवाल पूछे गए इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कितने लोगों का ड्रीम रहता है बीएड के बाद कि मैं पीजीटी करूंगा, कितने लोगों का ड्रीम रहता है ग्रेजुएशन के बाद मैं टीजीटी करूंगा, लेकिन हमें पता ही नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिविल की तैयारी करता है, बात समझिए, ये छोटी सी बात बता रहा हूं, जब वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो ज्यादा फोकस पता है किस पे करता है, आधुनिक भारत में। अगर 24 सवाल 26 सवाल पीसीएस में इतिहास के आने हैं, तो वे डैम श्योर मान के चलता है कि 15-16 सवाल उसको आधुनिक से मिलेंगे, और मिलते भी हैं, मिलते भी हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर चीजें रिवर्स हो जाती हैं पूरी तरह। अगर जैसे देखिए, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, ये पांच एक ऐसे टॉपिक हैं। प्रागैतिहासिक में आपका पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आ जाएगा, और आद्य ऐतिहासिक में आपका हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल आ जाएगा। तो मैंने उत्तर वैदिक को भी इंक्लूड किया इसमें, वैदिक युग पूरा लेकर चला। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग, ये चार टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में 8 से 9 सवाल मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास होगा सॉल्वर, वो पीला पीला वाला रखे होंगे, आपको 8 से 9 सवाल मिलते हैं। हमें पहले काम यह करना है कि हम कितने पे क्वालिफाई कर रहे हैं, उसे कवर करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि अब मैं कितना ओवर ज्यादा कर सकता हूं। भाई भूख लगी है 6 रोटी की, आपने 6 खा लिया, तो पहले 6 की तो संतुष्टि करिए, फिर कहोगे अल्लाह एक दो और खा लेता हूं, सब्जी अच्छी बनी है, मतलब पेपर इजी है, थोड़ा और अटेम्प्ट कर लेता हूं। वो थोड़ा अटेम्प्ट बाद में करना है, पहले पेट भरना है। मैं आपको डाटा बताता हूं कि कैसे सवाल आए हैं, किस साल कितने कितने सवाल कहां कहां से पूछे गए हैं, एकदम बस कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक ही पेज में बता देते हैं, पेज को ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं। पहले हम टीजीटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टीजीटी की, समझने का प्रयास करिएगा, और फिर मैं पीजीटी की बात करता हूं। ऐसे डिवाइड करते हैं दोस्तों, यहां पर खड़े होने के पहले बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑफलाइन क्लास होती है तो ऑफलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ऑनलाइन में आप कहां से देख रहे हैं, किस प्रांत से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, आप कितना जानते हैं इसके बारे में, मुझे तो यह भी नहीं पता। इसलिए मुझे आपको फर्श से अर्श तक लेके जाना है, मतलब शून्य से शिखर पर लेके जाना है, और मैं आपके साथ केवल 10% मेहनत करूंगा, 90% मेहनत आपको करनी है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं, आपको नोट्स लिखा सकता हूं, आपको सॉल्व करा सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, लेकिन पढ़ना, समझना, नोट्स लिखना, पेपर सॉल्व करना, एग्जाम देकर उसमें पास होना, ये जिम्मेदारी आपकी है, और इसे आपको करना ही पड़ेगा, हमारे लिए करना पड़ेगा, हमारी मेहनत के लिए, हमारी संस्था के द्वारा जो मेहनत की जा रही है उसके लिए करना पड़ेगा। देखिए, अभी स्टार्टिंग में ही आपको मजा दिलाते हैं कब कितने सवाल आए, कितने लोगों को यह भी नहीं पता होगा किस साल कितने सवाल आए। देखिए, तो इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक, 2011, 2013 और 2016, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं, 2016, बात समझ, देखिए, इसको मैं लिखा था पेपर में, लेकिन मैंने कहा कि जरा फोन में खींचता चलूं, क्या पता कॉपी भूल जाऊंगा तो क्या फायदा होगा। ठीक, एक लाइन और बना देते हैं थोड़ा सा। प्राचीन, ठीक, मध्य इतिहास, मतलब प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक, ठीक, सेम चीज को यहां लिखते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक। दोस्तों, बात करते हैं वर्ष 2011 की, कब की बात करते हैं, 2011 की, 2011, यहां पर वर्ष भी लिख देते हैं, किस वर्ष कैसा क्या पूछा गया था, मतलब किस साल के एग्जाम में, ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया था, फाइट कर लेता हूं। 2011 में टीजीटी की बात कर रहा हूं, 23 सवाल जो थे आपके वो आए थे प्राचीन से, 28 सवाल आए थे मध्य से, और 12 सवाल आए थे आधुनिक भारत से।
28:12:40 और 23:63। 2013 की बात करता हूं आपसे, ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, आज के बाद से आप क्लियर हो जाएंगे करना क्या है हमको। 2013 की बात करता हूं, डाटा इसलिए फोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 2013 में 26 सवाल पूछा उसने प्राचीन से, 20 सवाल पूछा उसने मध्य से और 17 सवाल पूछा आधुनिक से, और 2016 में 23 सवाल उसने पूछा प्राचीन से, 20 सवाल पूछा मध्य से और 20 सवाल उसने पूछा आधुनिक से। कब? 2016 में। अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करिए आप एकदम। मैं ये बात कहता हूं कि हमें कुछ ना आए सही है, हम कुछ बेचकर कमा लेंगे, पर अगर हमें कुछ आएगा तो ना हम कुछ बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हमें आना सब चीज चाहिए। जैसे जब हम अपने कैरियर का चुनाव करते हैं, हम पैदा होते हैं, तो हम लोगों को किस स्कूल में भेजना है मम्मी पापा बहुत डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा किस स्कूल में जाए। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस कॉलेज में जाना है, कहाँ अच्छी फैसिलिटी है, कहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलेगा। और फिर जब हम जॉब की तैयारी करते हैं तो हम खुद को एनालिसिस करते हैं कि मैं किस जॉब के लायक हूँ, मैं डीएम के लायक हूँ कि मैं प्रोफेसर के लायक हूँ कि मैं एसडीएम के लायक हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में संविदा पर काम करने लायक हूँ। उसी प्रकार जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, किसी विषय के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उस विषय का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपका डाउट यहां क्लियर हो रहा है। अब देखिए टीजीटी में जो आता है आपके 125 प्रश्न, देखिए 63 सवाल हिस्ट्री से आ रहे हैं, एकदम लॉजिकली चल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, ये डाटा मैंने खुद निकाला हुआ है। 2011 में प्राचीन से 23 सवाल पूछा गया, क्लियर, मध्य से 28 सवाल पूछा गया और आधुनिक से 12। आधुनिक का वेटेज बहुत कम दिया गया, लोग आधुनिक 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 चिल्लाते रहते हैं। 2013 में 26 सवाल प्राचीन से आए, 20 सवाल मध्य से आया, आधुनिक से 17 सवाल आया। मतलब उसने मध्य के वेटेज को कम किया, 5 सवाल यहां डाल दिया, 3 सवाल यहां डाल दिया, समझिएगा। फिर उसने क्या किया कि 2016 में घुमा दिया इसको, 20-20 करके 23 कर दिया, किसको, प्राचीन को। लेकिन यहां से कंक्लूजन आपको क्या निकल रहा है, कंक्लूजन अगर यहां पर एवरेज औसतन निकाला जाए तो इन 3 सालों में 23-23 और 46-26 72, ठीक है, 72 सवाल प्राचीन से पूछे गए हैं। अगर मैं कुल आपको जोड़ू, एक औसत बता रहा हूं, 72 सवाल प्राचीन से, 20-20 40 और 28-68 सवाल मध्य से, 17-12 29 और 20 और केवल 49 सवाल किससे पूछा गया है, आधुनिक से। तो तीनों में देखिए वेटेज वो दे रहा है प्राचीन को, और इन कंपैरिजन हम करें तो वो प्राचीन और मध्य को वेटेज दे रहा, ना कि आधुनिक को वेटेज दे रहा है। अब देखिए उसने क्या किया कि 2011 में 12 आधुनिक से पूछा, 2013 में 17 पूछा, 5 सवाल इंक्रीज किया है, और 2016 में 20 सवाल पूछा। मतलब यहां 5 इंक्रीमेंट किया, यहां 3 इंक्रीमेंट किया, मतलब वो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में 23 सवाल ही आ सकते हैं, 23 से 25, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं बस कह रहा हूं, इसके आधार पे कह रहा हूं। लेकिन उसने देखिए उसने यहां पर क्या किया, इस 72 सवाल में 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12, 24 का औसत बनाया हुआ है, मतलब वो प्राचीन का वेटेज ज्यादा दे रहा है। और यहां पर देखिए उसने 28 पूछा, 28 के बाद सीधा 20 कर दिया, फिर सीधा 20 कर दिया, हो सकता है कि अगले एग्जाम में 18 से 22 पूछ ले, इसी के बीच में रहेगा, यह मैं आज लिखित हस्ताक्षर दे सकता हूं आपको, हो सकता है कि 22 से 18 ही रहेगा मध्य, क्योंकि मध्य को ड्रॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि मध्य में मुगल संस्कृति, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ दक्षिण भारत की भी कुछ संस्कृतियां आती हैं, जहां से मंदिर उंदिर की बात आती है, उसे पढ़ाना ही पड़ेगा, उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर वो इतिहास को वेटेज, प्राचीन भारत को वेटेज दे रहा है, क्यों दे रही है, सब हो सकता है आपको डाटा एनालिसिस करें, लेकिन प्राचीन को वेटेज क्यों दे रहा है, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे। क्योंकि जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति का जो उदय, क्योंकि आप एक टीचर बनने जाएंगे,
टीचर को हमेशा अपने देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। तो यहां पर उसने प्राचीन को इसलिए वेटेज दिया है क्योंकि हमारी संस्कृति की शुरुआत प्राचीन भारत से ही होती है, इसलिए प्राचीन को ज्यादा फोकस करके ज्यादा सवाल पूछा है, आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार भी इतना पूछेगा, लेकिन वो 20 के ऊपर ही प्राचीन रखेगा, वो जो झोल झाल करेगा इन दोनों में करेगा। ये था टीजीटी की बात, उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आता हूं पीजीटी में, पीजीटी की बात करता हूं क्योंकि जब मैं बहुत लोगों से मिलता हूं सब कहते हैं आधुनिक पर फोकस करिए, आधुनिक पर फोकस करिए, तो थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि भाई आधुनिक पे, क्योंकि भाई सिविल की तैयारी करने वाले हर इंसान, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट वो आधुनिक पे फोकस करता है, लेकिन यहां पे तो उल्टा हो रहा है, प्राचीन से सवाल नहीं आते, यहां तो प्राचीन ही भर दिया है। पीजीटी की बात करता हूं आपको, सेम 2011 में आपके पीजीटी में 45 सवाल थे प्राचीन भारत से, 40 सवाल थे मध्य भारत से और 40 सवाल थे आधुनिक भारत से। कब? सॉरी हां सही है 2011 में 45 सवाल थे आपके किससे? प्राचीन से, 40 मध्य से, 40 आधुनिक से। यहां बीच में लाइन नहीं खींचे थे क्या? मैंने लाइन खींच देते हैं। अरे यार बड़ी आफत है, रुकिए, तो डिजिटल बोर्ड में यही दिक्कत है ना। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। व्हाइट से लाइन खींचा था ना, 2013 का डाटा मिट गया क्या यहां पे? 2013 का, इसको पहले लाइन खींच दो तब वहां बता देता हूं आपको। 2013 में क्या था? 26, 20, 17, चलिए यही था ना। हाँ ठीक, वेरी गुड, 26, 20, 17 पीजीटी की बात कर रहा था मैं। देखिए 2011 में उसने 45 सवाल पूछे प्राचीन से, 40 सवाल पूछे मध्य से, 40 आधुनिक से, 40, 40, 80 और 45, 125। 2013 में उसने प्राचीन से पूछा 45 सवाल, 38 सवाल पूछा मध्य से और 42 सवाल पूछा आधुनिक से। 2016 में इसने 55 सवाल पूछ लिए प्राचीन से, 30 सवाल पूछा मध्य से और 40 सवाल पूछा आधुनिक से। अब यहां समझिए, यहां पर लोचा क्या हो रहा है इस पोर्शन में। प्राचीन भारत से 2011 में 45 सवाल, इसने इन दोनों को सेम रखा, मध्य आधुनिक को 40-40। 2013 में भी 45 सवाल, दो सवाल यहां ट्रांसफर कर दिया आधुनिक में, वेटेज दे दिया। लेकिन 2016 में उसने तो सब, उसने क्या किया कि यहीं से पूरा सवलवाट हटाकर किसको दे दिया? प्राचीन को। 55 सवाल प्राचीन, 30 सवाल मध्य, 40 आधुनिक। मतलब वो जो आधुनिक से सवाल पूछ रहा है आपके पीजीटी में, उसका रेशियो वो 38 से 42 रख रहा है। यहां 38 नहीं पूछा, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि उसने जो रखा है 38 से 42 के रेशियो में रखा है। जैसे यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि आपको इस बार हो सकता है 18 से 23 सवाल आधुनिक के आ सकते हैं, और सेम चीज यहां पर भी आपको 38 से 42 के बीच में सवाल रख रहा है। मध्य में वो डिक्रीज होता जा रहा है। कैसे डिक्रीज हुआ? 40 के बाद 2 और उसके बाद सीधा 8 डिक्रीज हुआ। 30 से ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, कितना भी डिक्रीज करेगा तो हो सकता है वो 27 या 26 पे लाके छोड़ दे, लेकिन वो प्राचीन से कोई रिस्क नहीं ले रहा है। प्राचीन में बराबर रखते साथ साथ प्राचीन बढ़ा भी दे रहा है। मतलब जिस प्रकार टीजीटी में भी प्राचीन को वेटेज दिया गया है, उसी प्रकार पीजीटी में भी किसको वेटेज दिया जा रहा है? प्राचीन भारत को। कितने लोगों की आंखों की पट्टी खुल रही होगी कि हम तो यार आधुनिक लेके बैठे थे, इतनी मोटी मोटी पुस्तक, तो सवाल तो प्राचीन भर दे रहा है। क्योंकि पेपर देने के आने के बाद आप क्वेश्चन नहीं गिनते कि कितना कहां से आया, ये गिनते कितना सही है कितना गलत है। ये है तैयारी करने का सही टैक्टिस, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कि हमको वेटेज देना है प्राचीन को, उसके बाद वेटेज देना है आधुनिक को, फिर लास्ट वेटेज देंगे हम मध्य भारत को, मध्यकालीन को। अगर यहां से आपको 50 सवाल आ रहा है, और यहां प्राचीन की सबसे बड़ी खास बात है फैक्चुअल सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा डीप में आता है लेकिन फैक्चुअल आता है, पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे। अगर आप यहां 55 में 45 कर लेंगे और यहां 40 में 30 कर लेंगे, तो 75 सवाल ऐसे कर लेंगे, तो क्या यहां पर 15 सवाल नहीं कर पाएंगे?
कर लेंगे ना। मुद्दा यह होता है कि अब जो आपने आज तक सोचा होगा कि मैं आधुनिक पर फोकस कर रहा हूं, अब मैं आधुनिक को छोड़कर प्राचीन पर फोकस करूं, क्योंकि प्राचीन में कहीं भी औसत कम नहीं हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए यहां पर भी अगर मैं परसेंटेज निकालूं 63 क्वेश्चन में से, तो मान लीजिए 60 क्वेश्चन में मैं यहां पर कर देता हूं 22 क्वेश्चन गुणे 100 कर देता हूं, तो परसेंटेज निकलेगा 220 गुणे 6 कितना, 6 × 3 = 18, 4 × 4 = 46, मतलब 36%, मतलब लगभग 37% वो यहां प्राचीन को वेटेज दे रहा है। सेम चीज यहां पर कर दूं, अगर मैं इनका औसतन इनका औसत निकालूं तो इनका औसत 50 निकलेगा, तो 125 में 50 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है, 25 × 125, 25 × 50, 25 × 20, मतलब वेटेज प्राचीन को कितना दे रहा है 40%। पीजीटी में आपके प्राचीन को वेटेज 40% दे रहा है और टीजीटी में आपके प्राचीन को वेटेज 37% दे रहा है। उसके बाद यहां पर बस थोड़ा सा रिवर्स है, यहां पर 37% वेटेज आधुनिक को दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है, आपको आधुनिक का वेटेज यहां पर 28% दे रहा है और मध्य को 30% दे रहा है, और वही चीज यहां पर रिवर्स कर दीजिए। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, पहली चीज तो क्लियर हुई, प्राचीन भारत पे। यह पढ़ने का तरीका होता है, हो सकता है आपको मजा ना आ रहा हो, लेकिन जो वाकई में पढ़ने वाले हैं जिनको यही करना है वो समझ रहे होंगे कि आज यहां पर टारगेट विद आलोक संस्था पर एक इंसान खड़ा होकर जो बता रहा है कि अगर मैंने फोकस किया होता तो आज मैं टीजीटी पीजीटी क्वालिफाइड होता, मैं तो कहीं और भाग रहा था, मेरी मंजिल थी क्या कहते हैं सुल्तानपुर और मैं भाग रहा था फैजाबाद। समझ गए, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चेक भी कर लीजिएगा, इतिहास ही क्यों चुने, रीजन क्या है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा उठता है। अभी आप समझेंगे कि सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए हिस्ट्री के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, मैं ना आपके सामने एक सर हूं और ना ही मैं आपके सामने कोई और हूं, मैं एक साधारण सा इंसान हूं और आपको दोस्त करके बात करूंगा। आप लोग मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं, मेरे से जूनियर भी हो सकते हैं, मेरे से समकक्ष भी हो सकते हैं, तो हम आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी ख्वाहिश यह होती है एक दोस्त की कि उसका दोस्त असफल हो जाए, थ्री इडियट वाला नहीं कि दोस्त टॉप कर जाता तो दुख होता है, वो तो दुख तो ह्यूमैनिटी नेचर है, किसी को भी होता है। अब हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए लोग आईएएस पीसीएस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो लगता है कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन वो हो गए। यहां आते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, इतिहास ही क्यों, रीजन क्या है कि ये सबसे ज्यादा चुना जाने वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लोग इतिहास को प्राथमिकता देते हैं। क्यों देते हैं, इसका रीजन है, कहने को तो ये बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई वैसा कंसेप्चुअल चीज नहीं है जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है बाकी सब्जेक्ट में जैसा होता है, और भी सब्जेक्ट को लोग वेटेज देते हैं, लेकिन इतिहास आप नॉर्मली पढ़ के, जिनके अंदर माइंड पावर है याद कर सकते हैं, तो आप इतिहास को नॉर्मली पढ़ के भी आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, ठीक, आप पुस्तक के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, एक किताब नहीं कई सारी किताबें लाइए पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। तीसरी चीज, समझने में आसान होता है, समझने में आसान होता है। आसान क्यों होता है, क्योंकि ना इसमें आपको क्या कहते हैं जगह इंडिकेट करनी रहती है, ना ही इसमें आपको गुणा भाग करना रहता है, और ना ही इसमें आपको चीजों को प्रैक्टिकल करना रहता है, पूरा थ्योरेटिकल है जो कि हमेशा जिंदगी भर करते आए हैं। उसके साथ साथ मार्क्स जो होता है या स्कोर जो होता है इसमें ज्यादा मिलता है। इतिहास सब्जेक्ट में जो लोग होते हैं उनकी मार्किंग जो होती है और अलग सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उनको मार्क्स जो होता है नंबर बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए लोग इतिहास ही चूज करते हैं ज्यादातर लोग। अगली चीज, आज मैं आपको एक बस पृष्ठभूमि बता रहा हूं तैयारी कैसे करनी है, इस विषय से फायदा क्या है, इस विषय से फायदा यह है कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से हुआ है उसके साथ साथ बहुत लोगों को ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ही मिल जाती है कम नंबर होने की वजह से क्लास 12 में, पहले तो लोग बड़े बड़े सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं लेकिन जब उनका नंबर कम होता है तो हिस्ट्री उनको गलती से मिल जाती है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, तो उस मजबूरी की पढ़ाई का फायदा उठाइए। ठीक, पहली चीज,
अधिकतर लोगों को यह विषय मिल जाता है। अगला फायदा, नोट से पढ़ने में आसान होता है। अगली चीज, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से इसके क्वेश्चन मैच हो जाते हैं, मैच कर जाता है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। यह है इस विषय का फायदा। अगला प्राथमिकता, इसे कैसे पढ़ें, इस विषय को कैसे पढ़ा जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। कोई भी विषय हो, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इस वजह से मैं इस बात का कहता हूं। कई लोग होते हैं कि जो उनको ये लगता है कि अब मैं करूं क्या, तो मैं जब यूजीसी नेट का बैच लिया, ठीक, तो उसमें मुझे पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा भी लगा, मेरे द्वारा भी, तो मुझे समझ में आया कि जनरली विषय को पढ़ाना कैसे है। तो इसको पढ़ना कैसे है, कुछ नहीं करना है, आराम से रोज क्लास देखनी है, मेरे साथ रोज आपको नोट्स बनाना है, और नोट्स जो संस्था के द्वारा दिया जाएगा उसको पढ़ना है। पहले इसका ब्रॉड अध्ययन करें, ब्रॉड मतलब बृहद रूप से सारी चीजों को पढ़ लें। उसके बाद हर साल पूछे गए क्वेश्चन के तरीके से निकालकर इसकी समरी बनाइए, वो मैं बनवाऊंगा, फैक्चुअल समरी, फैक्ट की। उसके साथ साथ हमारे साथ टॉपिक वाइज इसको प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा खत्म हुआ, तो यहां पे 50 सवाल 20 सवाल लेके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे आपका रिवाइज भी होगा और आपको पता भी लगेगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और प्रत्येक दिन इसका रिवीजन करिए, कितने घंटे, मात्र 1 घंटे, केवल 1 घंटे इसका रिवीजन करिए आप, बस ये है इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अगली जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। जब आप हमसे पढ़ेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली, कई लोग कई सारी किताबें लेके आते हैं, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ, फिर उसमें यूनिट वाइज, आदमी चाहे, अगर मैं चाहूं तो आपको यूनिट वाइज सिलेबस भी यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं, पूरी यूनिट वाइज कि किस यूनिट में क्या है, कैसे पढ़ना क्या है, लेकिन उस किताब से पढ़ने के बाद आप अपने आंसर देखते होंगे ना, तो 40 प्रश्न ज्यादा नहीं कर पाते होंगे, 40 प्रश्न से ज्यादा नहीं कर पाते होंगे। तो इसलिए हमको स्टार्ट करना है जीरो से, कि भाई पाषाण काल हुआ कैसे, क्यों हुआ, रीजन क्या था, फिर पाषाण से नगरीय सभ्यता कैसे आई, मतलब हड़प्पा कैसे आया, इंटरलिंकिंग स्टडी करना है इतिहास में, चैप्टर को याद करके बहादुरी नहीं है, चैप्टर को लिंक करके पढ़ना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको, अजातशत्रु ने पाटलीग्राम नामक शहर की स्थापना की, उसके पुत्र उदयन ने नाम बदलकर पाटलिपुत्र का अपनी राजधानी बनाई, मध्यकालीन में शेरशाह सूरी ने पाटन नाम दिया, वही आज पटना है। आप पढ़ रहे थे प्राचीन, लेकिन लिंक कर दिए मध्य और आधुनिक से। इस तरह जब आप लिंकिंग करके किसी चीज को पढ़ेंगे तो उस चीज को समझने में और आसानी होगी। इतिहास के सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस वही है आपको, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, ठीक है, उसके साथ साथ धार्मिक स्थितियों को पढ़ना है। अब जैसे जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश में, उन मुद्दों को स्पेशली ध्यान करना है, कि महिलाओं के बारे में सवाल ज्यादा आ सकता है, महिलाओं की दशा के बारे में, प्रशासन सही ढंग से, जैसे प्रशासन को लेकर कई हड़ताल हो रहे हैं, कई आंदोलन हो सकता है, प्रशासनिक मुद्दे से सवाल आ सकता है। किताबों से जुड़ा हुआ 3 सवाल पक्का आता है कि किसने कौन सी किताब लिखी हुई है, ठीक। हड़प्पा में जरूर 1 सवाल आता है, कहां से कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, ये हड़प्पा पाषाण पाषाण से आता है। आधुनिक से भी आता है, किसने कौन से संगठन का गठन किया, जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, परमहंस मंडली, तत्वबोधिनी सभा, तमाम चीजें। ये कुछ चुनिंदा पैटर्न है जहां से आपको मिला जुला के 15-20 सवाल तो मैं वैसे ही बता दूंगा, बस आप देख लेना, कर लेना।
तो ये चीजें हैं, और जो मैं आपको यहां समझाना चाहता था कि अगर आप जिंदगी भर आधुनिक पर फोकस किए हैं तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन का वॉलपेपर लगा लीजिएगा कि कहां पर आधुनिक से ज्यादा पूछा जाता है और कौन कहता है कि आधुनिक से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये थी आज हमारी इतिहास विषय पर परिचर्चा, कैसे पढ़ेंगे, इस विषय का रीजन, इस विषय का महत्व क्या है, इस विषय से हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, इस विषय से हम आज जो हम पहले पत्ती पहनते थे आज हम जीन्स पहनते हैं वो कैसे डेवलप हुआ वो जानेंगे, हमारे बात करने का तरीका क्या होता है वो जानेंगे, हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं ये हम इतिहास से जानते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में मैं आपको इसके सब्जेक्ट को एनालिसिस, सॉरी विषय का एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस मतलब क्या है, इसके आपके टॉपिक वाइज बातें करूंगा और आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, जैसे और एक चीज बता देते हैं आपको, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री को क्यों रखते हैं, ये खास बात यह है कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट तो है ही है, नो डाउट, आईएएस पीसीएस, ठीक है, उसके साथ साथ अदर आयोग के एग्जाम आप देखेंगे तो जो प्रश्नों की संख्या है वो इतिहास की ज्यादा रहती है, साइंस की आजकल ज्यादा होने लगी है, लेकिन इतिहास साइंस के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इतिहास का आता है, तो इतिहासों के प्रश्नों की संख्या भी इन एग्जाम, क्योंकि टीजीटी पीजीटी देने वाला भी हो सकता है अगर वो अटेम्प्ट है तो ये एग्जाम दे रहे होंगे वो, तो उसमें उनको प्रश्नों की संख्या ज्यादा मिलती है, ऑप्शनल में नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से भी लोग इतिहास विषय को पढ़ते हैं कि बृहद अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा और आप मेरा इंतजार नहीं करेंगे तब भी मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।